है कि भाई पानी कहाँ से आदमी पिएगा, कोई पानी नहीं पी रहा है अभी, पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है लोग बाग को। ये रोड का समस्या है, नाले का समस्या है। 20,000 रुपया पर आदमी, 20,000 एक आदमी से। जी जी, काम नहीं किया, करबो किया तो जंगल चलाया तो बंदे है, कोनो कामे के नहीं। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायत चुनाव में जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। खराजपुर पंचायत की जनता प्रत्याशियों के पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त कर रही है। खराजपुर पंचायत में इस बार मुखिया से नाराज 25% जनता को कौन अपने तरीके से अपने पक्ष में कर पाएगा। खराजपुर पंचायत के अहिला के मतदाताओं में मुखिया से नाराजगी व्यक्त करते हुए विजय मंडल और बरखा भगवा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ नया टोला में भी अब चर्चा जोरों पर है कि वहां की जनता किसके पक्ष में वोट करती है। आइए आपको खराजपुर पंचायत के अहिला की जनता की आवाज सुनाते हैं। अशोक राय हुआ हमारा नाम। कौन से वार्ड? ये अपना 4 नंबर वार्ड में है। किस अथी में? अहिला ग्राम। यहाँ का अभी मुखिया वर्तमान में कौन है? वर्तमान मोई में है। मोई में है। हाँ। तो क्या सब काम किए हैं? 5 साल के अंदर में लगभग हमको लग रहा है कुछ काम नहीं किया है। क्या इस बार क्या विचार है आपका? हमारा यही विचार है कि कम से कम ये मुखिया चेंज होना चाहिए। अच्छा, इधर आपका जो है रोड की समस्या, पानी की समस्या, देख लीजिए, न रोड बन रहा है नहीं, एक नल जो लगा हुआ था वो भी उखाड़ के ले गया। अच्छा, उसके लिए कुछ बोले नहीं आप? उसके लिए जिला परिषद ने अपना ये नाला के रोजगार किए थे, उसके अंदर में सब उखाड़ के हटा दिया गया। उसके बाद में कोई भी जिला परिषद के आदमी नहीं है, सोचा कि भाई पानी कहाँ से आदमी पिएगा, कोई पानी नहीं पी रहा है अभी, पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है लोग बाग को। आपका क्या? चेंज करना है। गांव में अहिला गांव में कोई भी काम किया नहीं। काम नल जल वाला आया था, इधर आया था, मगर सब राज स्थिति कर नाला बना हुआ है। नहीं, पानी समस्या इधर ज्यादा लगा रहता है, उसके लिए कोई निदान नहीं है। कोई निदान नहीं। क्या हुआ आपका नाम? जय कुशल पासवान। इधर क्या क्या समस्या है बताइए। देख रहे हैं, रोड का समस्या है, नाले का समस्या लिया गया ना के बराबर। उसमें पैसा भी लिया गया है क्या? जी, 20,000 रुपया पर आदमी। 20,000 एक आदमी से? जी जी। बाथरूम का पैसा? बाथरूम का पैसा कुछ का आया और कुछ का, उसमें मतलब ज्यादातर का नहीं आया। उसमें अहिला जो काम किए हैं सो तो देखिए रहे हैं, काम का आधा नाला मतलब एक चेंज करना। क्या बाढ़ का पैसा इधर आया है आप सबको? बाढ़ का पैसा कुछ आदमी का आया है, कुछ को नहीं आया है। तो उसके लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी, यही कहेंगे इंदिरा आवास मिला है। इंदिरा आवास कहाँ किसी को मिला है, उतना आदमी को नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। अहिला मुखिया कुछ नहीं काम किया, घोटाले सबसे किया तो एकदम सफा, हम लोग एकदम खत्म, कोई काम नहीं किया ना, घोटाला है खाली। केवल पासवान, कोनो काम नहीं किया, करबो किया तो जंगल चलाया तो बंदे है, कोनो कामे के नहीं। जब से लगा है तब से सही है, वैसा ही पड़ा हुआ है। पानी की समस्या ज्यादा हो रहा है इधर। हाँ। और क्या हो रहा है? आरो रोड नहीं बन रहा है, देखते हैं कि नहीं। अच्छा, रोड नहीं बन रहा है। अच्छा, और नाला, इंदिरा आवास मिला है इधर? नहीं मिला है। अच्छा, उसके लिए क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? उसको हटाएंगे, दूसरा मुखिया बनाएंगे। दूसरा मुखिया जिया लाल राम। कौन से गांव में है? अहिला। अहिला हमारा पहले में कोई काम है, मुखिया कोई नहीं करेगा, चेंज करिएगा। अच्छा, जो है मुखिया क्या वो पानी नहीं जानती है। क्या क्या काम किया है? कुछ नहीं, नल जल में पानी नहीं देता है। नल जल नहीं आया इधर? कुछ नहीं। इंदिरा आवास मिला है सबको? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है? कुछ नहीं, हमको सबके दिया पानी के घर चलिए ना गाड़ी से देखता है। लैट्रिन को देवे नहीं करता है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? लैट्रिन का पैसा नहीं मिला है उसके लिए, नहीं देता है पानी उनी, कुछ नहीं देता है, पानी नहीं दे रहा है। इंदिरा आवास इधर मिला है? नहीं, पन्नी का घर है, कुछ नहीं दे रहा है गरीब आदमी। खाना कुछ चेंज करना चाहते है? हीरा देवी कथी के दूरा पर देखे छी माटी भरल है, कोनो काम नहीं के लगा? नहीं मिला है। और की काम नहीं के लगा? पैसा बार वाला लोन नहीं मिला, बार वाला पैसा मिलल है। तो ओइला की कहै यहां के? कोई मिलते का राजेश पंडित। कौन सा गांव? अहिला। हां, कौन वार्ड? 4 नंबर।
हम लोग के कुछ नहीं मिला, न इंदिरा आवास मिला, न पैखाना रूम मिला, जो आया हुआ है जो बात और फिर खड़े हम रहेंगे और कुछ विकास हो गए आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। फराजपुर पहुँचते हैं वो जैसे कोरोना महामारी में 2 साल हम लोग बैक हो गए, विकास रुक गए, इसलिए हम लोग कुछ कुछ बैक है जो खराजपुर पंचायत से जनता जन से मैं 6 माह प्राप्त करती हूँ जो हमसे कुछ बेसी विकास नहीं हो पाया इस खराजपुर पंचायत में। आप जनता जन से पूछ लीजिए, हम महिला है, हम हर सुख दुख में रहते हैं, बाढ़ के जल जलाशय में हम आते हैं, जो हमसे हो पाता है मदद वो करते हैं। हाँ, ये जनता जन के साथ जैसे अपना यहाँ रोड के काम है, कोई पानी जलसा है, कोई तरह के दिक्कत है, उसमें हम खड़ा तो रहते हैं, किए हैं, चार चार बार डीएम साहब से मिले हैं, खास करके उनसे देखिए है जब खराज पंचायत में सर जा करके देखिए, जब हम सीओ वीडियो के जब हमसे नहीं सुना है वो डीएम साहब तो हम वीडियो सीओ के ला उसके निकासी के लिए कुछ हुआ, बात तो चल रहा है, बात चल सिर्फ बात ही चल रहा है, लिखित बस हो गया और कुछ नहीं हो रहा है। सिया देवी पंचायत समिति खराजपुर पंचायत से खड़ा छी, फिर खड़ा है समाज के बीच में, जनता के बीच में एलो काम के लिए, जनता बीच में रही छी, अगला बेर 285 वोट से जीतल छो, जनता लेल हम हमेशा तैयार रही छी, चाहे छी सौंसे पानी भरल ये पंचायत में वही ल के बहुत हमरा गंजन कर रहा हन जनता लोग, ओकरा चाहे छी जे नाला के हमरा नाला के निर्माण करे के हम निदान करबे, एकदम निदान करबे सब जनता के जे कष्ट जे छे जल के निर्माण के सबके हम करबे, कुछ नहीं हम छोड़बे। बढ़िया काम करे, क्या सब काम की, क्योंकि रोड जो है सो चौराहे से लेकर के बढ़ता रोड वाला में ढलाई करवाई है, कोई भी समस्या होता है तो आप सबके साथ हमेशा तैयार रहती है, खड़ी रहती है। हाँ, मेरे बाबूजी को जो है सीबीआई वाला काम था उसमें जो है सो अति के रूप में जो है हमको मदद किए, लिखित दिए, रोड बनाए हैं, जैसे मुसीबत आता है किसी को तो उसमें खड़ा हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी खोते हैं तब वो तैयार रहते हैं। क्या नाम उनका? सिया देवी पंचायत समिति से खड़ी हैं, पिछले साल भी खड़ी हुई थी और पिछले साल जनता खराजपुर जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताई। कितने पंचायत समिति का फंडिंग उस तरीका का नहीं है, मुझे 7 लाख रुपया दिया गया जिसमें मैंने खराजपुर अहिला और बढ़ेता तीनों जगह बैठ के उन्होंने जनता के बीच में रखी कि इस पैसा का क्या किया जाएगा, तो जनता ने कहा कि आपका फंडिंग जो है सो इतना है। और दूसरी नंबर बात है कि जो बढ़ेता से खराजपुर से जो रोड बढ़ेता जाता है वो बहुत ही मतलब जर्जर की स्थिति में था, इतना पंचायत समिति खड़ा हुआ आज तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर मेरी दादी ने वो रास्ता बनाने का काम किया और उसके बाद जो है एक और रास्ता था जो कि चमटोली जो है वहाँ पे जो है सो मतलब गली है वहाँ पे बहुत पानी जल जमाव की स्थिति थी और वो रास्ता भी दादी बनाने